नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन विला लेकर के आ गया हूँ, जो कि 4 BHK होने वाला है, JDA अप्रूव्ड है, सेपरेट पट्टा है, बहुत ही एक अच्छी लोकेशन, करदनी के बहुत ही पास में। मेन रोड से अगर बात करूँ तो 150 मीटर के डिस्टेंस पे है। पानी की अगर बात करूँ तो पानी यहाँ पर जो है सोसाइटी का पानी, वहाँ पर बोरिंग लगा हुआ है। और सीवरेज की अगर बात की जाए तो सीवरेज के लिए यहाँ पर कुई खुदा के दी गई है और काफ़ी डीप वाइज लंबी है। और आप अगर यहाँ पर मकान की मैं बात करूँ तो मकान 111 वर्ग गज में बना हुआ है और JDA अप्रूव्ड है, सेपरेट पट्टा है, साथ ही SBI लोनेबल प्रॉपर्टी है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो SBI में जॉब कर रहे थे वो कहते थे कि हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाइए जिस पे कि SBI लोनेबल प्रॉपर्टी हो। तो 111 गज में बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपके घर में दो भाई हैं आप लोग, और आप चाहते हैं हम लोग एक ही जगह शिफ्ट हो जाएं नीचे और ऊपर, दो ही आपको किचन चाहिए, तो यहाँ पर आपको सारी ही चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ग्राउंड फ्लोर पर भी एक आपको जो है किचन अवेलेबल है और फर्स्ट फ्लोर पर भी एक किचन अवेलेबल है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस खूबसूरत से विला की ओर। यहाँ पर बात करूँ अगर बर्म की, तो यहाँ से होते हुए आपके अपनी कार यहाँ पर अंदर की साइड में पार्क कर सकते हैं। काफ़ी एक अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। बाहर की साइड में 40 फीट का रोड दिया गया है, आगे ये कॉलोनी बंद है। तो अगर सेफ्टी पर्पज़ देखा जाए तो आपकी कॉलोनी बिल्कुल सेफ कॉलोनी के नाम जो है है ये, और जय दादी नगर के नाम से कॉलोनी का नाम है। आपने फ्रंट एलिवेशन देखा, बहुत ही खूबसूरत है। और बात करूँ अगर इसके साइज़ की, डायमेंशन की, तो 20x50 का डायमेंशन, जी हाँ 20 का फ्रंट है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये कह रहे थे कि हमें 15, 16, 17 का फ्रंट मत दिखाइए, हमें दिखाइए जिसका फ्रंट बड़ा हो। फ्रंट है 20 का, डेप्थ है 50 की। कई लोग कहते हैं कि रेल का डिब्बा है, ऐसा कोई मकान नहीं है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर अगर रूम की साइज़ की बात करूँगा ना, तो सच में दिल खुश होने वाला है आपका, क्योंकि बड़े बड़े साइजेस में आपको रूम अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको लोबी का स्पेस मिल जाता है, गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। ऊपर की साइड में मकान की अगर हाइट देखेंगे तो बहुत ही अच्छी हाइट यहाँ पर दी गई है, और वुडन का टेक्सचर दिया गया, LED लाइट आपको यहाँ पर लगा करके दी गई है। आप आराम से अपनी कार पार्क कर सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको जो है इसके पॉर्च का मिल जाता है। यहाँ पर वाटर टैंक प्रोविज़न दिया गया है, जो कि आपके 6000 लीटर का वाटर टैंक प्रोविज़न है। बाहर से स्टेयर्स दी गई है जो कि आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर लेकर के जाएगी और लेकर के जाएगी इसकी रूफ पर। और अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ इसके हॉल के अंदर, और हॉल की अगर साइज़ की बात करूँ तो हॉल का साइज़ यहाँ पर 13x12 का साइज़ स्पेस से साइज़ मिल जाता है। मैं हाथ फैला के आपको दिखा दूँ, डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया दोनों ही आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। 4 BHK आज मैं आपको ये विला दिखाने जा रहा हूँ। प्राइस मैं आपको बता दूँ, जो इसका आस्किंग प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 70 लाख रुपये। जी हाँ, 70 लाख रुपये में 111 गज में बनी हुई, मेन रोड से अगर बात करूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, मात्र और मात्र 150 मीटर के डिस्टेंस पे। ऊपर की साइड में फुल सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अभी पेंट का काम होना बाकी है, तो जब पेंट का काम हो जाएगा तो ये जो इसकी खूबसूरती है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब और ज़्यादा ये अच्छा लगने वाला है। किचन यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड में आपको एक रूम है, इस साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक मिल जाता है एक और रूम। यहाँ पर आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, एक अटैच बाथरूम यहाँ पर है, एक अटैच ऊपर की साइड में, यानी कि दो मास्टर बेडरूम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपने देखा इसका हॉल, और हॉल का साइज स्पेसेस है 2x4 की रेक्टिफाइड आपको जो है टाइल्स यहाँ पर दी गई है। मैं आपको दिखा दूँ पहले इसका फर्स्ट बेडरूम, जो कि यहाँ पर दिया गया है 12x17 के साइज में, बहुत ही स्पेसेस साइज, देखिए ह्यूज और स्पेसेस साइज है। आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव के या फिर बिल्डर के। ऊपर की साइड में आप देखेंगे POP वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है, कोई भी फुल सीलिंग डिज़ाइन नहीं है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते थे कि POP वर्क में हमें कुछ दिखाइए, हमें फुल सीलिंग पसंद नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि POP वर्क बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा करके दिया गया है, और AC का सेपरेटली पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस रूम के साथ में आपको अटैच में एक मिल जाती है बड़ी सी विंडो, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा, और इस रूम के अंदर प्रॉपर सनलाइट आती रहेगी। देखिए वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। सामने की साइड में अगर मैं बात करूं तो पूरी ही वॉल के ऊपर आपको जो मिल जाती है वार्डरोर मिल जाती है, स्पेसेस साइज में वार्डरोर है, और कोई भी आपका सामान हो, कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत अच्छा है। स्लैब की अगर बात करूँ तो स्टोन की स्लैब लगा करके दी गई है, हैवी से हैवी सामान आप इजीली रख सकते हैं। अटैच में यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर इसका बाथरूम, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जो कि इस साइड में दिया गया है। और साइज़ की बात करूँगा तो 7x6 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है, इंडियन शीट लगा करके दी गई है। ऊपर की साइड में वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टाइल्स कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कलर्स का, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक आपको दिया गया है। अभी मैं दिखाऊंगा इसका आपको मॉड्यूलर किचन, और किचन के साथ में बैक साइड में एक मिल जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सच में आपका दिल खुश होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। करदनी में ये लोकेटेड है, जय दादी नगर के नाम से कॉलोनी का नाम है। और बताऊं अगर मैं इसकी बात, अगर इसके साइज़ की
जो कि इसके किचन का साइज है, जो कि मॉड्यूलर किचन का साइज है, 6x12 का साइज, स्पेसेस साइज है, इजीली 4 से 5 लेडीज का खड़ी होकर काम कर सकती है। ओकेशन वाइज जब आपके घर में कोई त्यौहार है, कोई प्रोग्राम है, तो इजीली कोई भी लेडीज यहाँ पर खड़ी हो सकती है। और आपको पता है अगर घर में लेडीज खुश है तो पूरे घर का जो माहौल है अच्छा रहता है, और पूरा ज़्यादातर जो टाइम होता है लेडीज़ का वो किचन में गुजरता है। तो किचन बहुत स्पेसेस है, आपको ग्रेनाइट यहाँ पर लगा करके दिया गया है, ऊपर के साइड में प्रॉपर ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं, बीच में जो पार्टीशन आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपकी चिमनी इंस्टॉल्ड हो जाएगी, और आउटर वहाँ से दिया गया है, पहले ही आउटर आपको बना करके दे दिया गया है जहाँ पर आपको चिमनी का आउटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होता रहेगा। अभी हम लोग आ गए हैं इसके बैकयार्ड के एरिया के, और आप इसे स्टोर रूम की तरह, या फिर आप चाहें कई लोगों के अपने घर में देखा होगा कि वो लोग एक टंकी टाइप में रखते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। ऊपर की साइड में देख रहे हैं यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होता रहेगा, किचन का ही नहीं पूरे रूम का, पूरे हॉल का, इस पूरे घर का वेंटिलेशन यहाँ पर प्रॉपर होता रहेगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर इसका किचन, जो कि बहुत ही स्पेसियस साइज में है और अच्छा खूबसूरत सा आपको मिल रहा है। मैंने आपको चीज़ दिखाई यहाँ पर इसका हॉल, इसका रूम और इसका किचन। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका यहाँ पर कॉमन बाथरूम, जो कि यहाँ पर हॉल के साथ में अटैच होते हुए है। सामने के साइड में अभी आपको वॉश बेसिन लगा करके दिया जाएगा, इजीली हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। और टाइल्स कॉम्बिनेशन आप देखेंगे बहुत प्यारा, ऊपर से आपको जो है प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इस साइड में, मेरे सामने की साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कॉमन बाथरूम है, इंडियन शीट या फिर वेस्टर्न शीट जो भी आप चाहें यहाँ पर लगवा सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अभी आप जो है अपने अकॉर्डिंगली लगवा सकते हैं, लेकिन बनने के बाद में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस विला को परचेज करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर इसका सेकंड बेडरूम, जो कि यहाँ पर दिया गया है, और साइज़ की बात करूँ 10x14 का स्पेस है, साइज़ बहुत ही स्पेस है, साइज़ दिया गया है, और ऊपर की साइड में फुल सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाती है। देखिए बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रूम को आप लिविंग एरिया बना सकते हैं, और जो अंदर की साइड में रूम दिया गया है उसको डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो बाहर की बाहर आप उन्हें यहाँ पर एंटरटेन कर सकते हैं, यहाँ पर उन जो है उनको ठहरा सकते हैं। बहुत एक अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट यहाँ पर आपको दिया गया है। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। स्टेयर्स पे भी आपको जो है यहाँ पर ग्रेनाइट का यूज़ करके दिया गया है, साथ ही अगर रेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर SS स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है। और हम लोग चलेंगे अभी इसके फर्स्ट फ्लोर पे, एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ है, एज इट इज़ वैसे का वैसे ऊपर है। ये हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर किचन दी गई है, जो कि यहाँ पर इस साइड में आप देख रहे होंगे जैसे नीचे की साइड में दिया गया था, आप एक बार देख लीजिए। बैक साइड में आपको मिल जाता है उसके एरिया, यहाँ पर आ गए हम लोग 17x12 का रूम साइज, अटैच बाथरूम यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर मिल जाती है वार्डरोब, ये है इसका अटैच बाथरूम। उस साइड में आपको मिल जाती है उसकी विंडो, AC का सेपरेटली पॉइंट यहाँ पर भी आपको दिया गया है, POP वर्क ऊपर की साइड में। इस वॉल पे पूरी पे ही आपको वार्डरोब मिल रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इसका कॉमन बाथरूम, जो कि इस साइड में दिया गया है, ये कॉमन बाथरूम है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो है 4 बाथरूम मिल जाते हैं, 2 अटैच और 2 कॉमन। यहाँ पर आ गया है इसका 4th बेडरूम, 10x12 का साइज़, ऊपर की साइड में आपको जो है यहाँ पर फुल सीलिंग डिज़ाइन और विंडो का प्रोविज़न, और इस रूम के साथ में अटैच होते हुए एक बालकनी आपको मिल जाती है, जो कि 3 फीट की बालकनी दी गई है, और काफ़ी अच्छा साइज़ दिया गया है यहाँ पर बालकनी का। यहाँ पर आपको बीच में टफन ग्लास लगा करके दिया गया है, आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं। प्राइस मैं आपको इसका बता चुका हूँ, 70 लाख रुपये इसका जो है आस्किंग प्राइस है, और ऑन टेबल निगोशिएबल रहेगा। जब भी आप आएंगे तो बिल्डर के माध्यम से कुछ ना कुछ जो है ऑन टेबल निगोशिएट ज़रूर किया जाएगा। प्राइस मैं बता चुका हूँ, 111 गज में बना हुआ है, 20x50 का डायमेंशन है, और मौके पर ये थोड़ी ज़्यादा है ज़मीन, लेकिन मैं आपको जो ऑन पेपर आपको मिलने वाला है 111 गज, वही मैं आपको बता रहा हूँ। JD अप्रूव्ड सेपरेट पट्टा, SBI लोनेबल प्रॉपर्टी, करदनी में लोकेटेड है, 150 मीटर के डिस्टेंस पे है मेन रोड से, और 111 गज में बनी हुई है। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, इस घर का नक्शा देखना चाहते हैं AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर इसका वीडियो आपको नक्शे का मिल जाएगा। हम लोग घर बैठे, घर ही नहीं घर बैठे नक्शे भी प्रोवाइड कराते हैं, तो AR होम्स को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस बता चुका हूँ, लोन से रिलेवेंट कोई दिक्कत नहीं आएगी, 90% लोनेबल प्रॉपर्टी है। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।